हेलो एवरीवन, मैं देवज्योति साहा, आपका एडमिशन जॉकी। आज जिस कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये कोर्स वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्स है इंडिया के, एंड स्टूडेंट्स के बहुत पसंदीदा कोर्सेस है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी बहुत ज्यादा है, एंड स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जैसे उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। तो आप लोग गेस कर ही रखे होंगे कि मैंने किस कोर्स के बारे में अभी बोलना है। आप लोग तो जानते ही हो, डिस्क्रिप्शन में तो देख के रखा होगा, थंबनेल भी देख के रखा होगा। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है, ये बेसिकली 4 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी क्या रहता है, आप पीसीबी और पीसीएम किसी से भी, मिनिमम अगर आपका 50% मार्क्स है जनरल और 45 एससी एसटी ओबीसी अगर मार्क्स है आपका, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर और वोकेशनल इन एग्रीकल्चर करके भी आप एग्रीकल्चर फ्यूचर में स्टडी कर सकते हो। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में आया था 2018 और 2019 में, बिकॉज उससे पहले आईसीएआर एंड नॉन आईसीएआर यूजीसी बेस्ड कॉलेजेस को लेके स्टूडेंट्स के दिमाग में उतने ज्यादा क्लियरेंस नहीं था। ये आईसीएआर ने जब न्यू रूल्स जारी करा, तब एग्रीकल्चर एंड नॉन आईकर एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिकली सामने आए, एंड आईकर एंड नॉन आईकर इन दोनों के बीच कॉम्पेरिजन स्टार्ट हुआ, एंड स्टूडेंट्स को जानकारी मिलना स्टार्ट हुआ कि कौन सा आईसीआर है, कौन सा नॉन आईसीआर है। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जो चीज बहुत ही ज्यादा डिस्कस करते हैं, ये चीज है कि आईकर वाले में जाऊं या मैं नॉन आईकर वाले में जाऊं, मतलब कॉलेजेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईकर के बारे में बता देता हूं। आईकर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। आईकर एक गवर्निंग बॉडी है फॉर द एग्रीकल्चर कोर्सेस। ये एक्रेडिटेशन देते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को एग्रीकल्चर कोर्सेस रन करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास यूजीसी एफिलिएटेड जो कॉलेजेस है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जो कॉलेजेस है जिसमें एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है। सो दोनों में कंपैरिजन क्या है, आईकर एंड नॉन आईकर। आईकर एग्रीगेटेड कॉलेज में आप, इसमें प्राइवेट भी है एंड इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपको स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, या तो उस यूनिवर्सिटी का अलग से एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, या आईकर का यूजी का एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू आप इन सब कॉलेजेस में, इन स्टेट कोटा, इन ऑल इंडिया कोटा, आप सीट अलॉट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। बट ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स है आपको क्रैक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन्स होते हैं, बट वहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स के लिए मुझे नहीं लगता, मैंने हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो है चेक करा है फीस स्ट्रक्चर बेटा बहुत हाई रहता है वहाँ पे, जो कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए एक ही ऑप्शन है, अगर आईकर वाले में जाना है तो आपको क्या करना है, या तो एंट्रेंस के लिए मेहनत करना है, एंट्रेंस में क्रैक करके चले जाओ, या तो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो बट वहां पे फीस हाई रहेगा। और अगर आपको फिर भी एग्रीकल्चर करना है बट आप नहीं चाहते कि मेरे को पैसा भी खर्चा करना पड़े एंड मेरा ड्रीम फ्यूचर में जाके थोड़ा बहुत अलग है एग्रीकल्चर को लेके, तो आप यूजीसी अप्रूव कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जाके भी आप एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू कर सकते हो। सो आईकर और नॉन आईकर में आपको क्या क्या बेनिफिट है, कि क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं, आप तो पूछ सकते हो मेरे को कि सर आईकर वाले में क्यों जाऊँ, फिर मैं नॉन आईकर वाले में जाऊंगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर तो पढ़ाया जाता है, उनके पास आईकर है नहीं है ये अगली बात है। बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि देखिए सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, पैसा कमाने के लिए वो रन कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए वो जो है एडमिशन्स लेते हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वहाँ पे। सो ऐसे भी है, बट ऐसे भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी है। अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे भी है
जो कि बहुत अच्छा स्टडी आपको प्रोवाइड करते हैं, उनका आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग विथ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है, राइट? तो ये चीज भी होता है। अभी आईकार में अगर आपको बेनिफिट एक ही मिलता है, एक तो है फ्यूचर में जाके आपका जो पीजी एग्जाम होता है, मतलब आपका जो आईकार पीजी एग्जाम होता है, उसमें एक कैटेगरी रहता है जिसमें जेआरएफ बोलते हैं। जेआरएफ क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलो। इसमें 15% करके आपका जो है, जैसे आप आईकार के थ्रू जाओगे, किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के थ्रू जाओगे फ्यूचर में पीजी करने, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने, उसमें आपको एक कैटेगरी मिलेगा जेआरएफ रैंक होल्डर्स को। तो जेआरएफ में क्या होता है, ये जो रैंक होल्डर्स होते हैं इनका एक मंथली स्टाइपेंड आता है, बट इसका जो सीट कैपेसिटी वेटर होता है ना, इसको जितना बड़ा बनाया जाता है ना, ये उतना बड़ा चीज नहीं है। इसका जो सीट कैपेसिटी रहता है बहुत ही कम रहता है। अब अगर थ्रू में जाओगे भी, हर एक कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा 10-15, इससे ज्यादा सीट नहीं होता जेआरएफ का। बट एक नॉन आईकार जो स्टूडेंट है, नॉन आईकार एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है, वो आईकार एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकता है। वो अगर आईकार के एंट्रेंस क्रॉस करके चले जाए, या तो आईकार एग्रीगेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, ऐसे करके भी वो कर सकते हैं। तो ये चीजें होता है। तो स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा रहता है, इनके थ्रू एडमिशन होता है, वो हम और भी ब्रीफली बाद में और भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं अगर आ जाऊं नॉन आईकार वाले में, नॉन आईकार एग्रीकल्चर कॉलेजेस में बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका एकेडमिक्स अच्छा है, उनका प्लेसमेंट अच्छा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, फील्ड वर्क प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज अच्छा है, वहां पे भी आप पढ़ाई कर सकते हो एंड अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। एग्रीकल्चर करके आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, बैंकिंग में बहुत अच्छा स्कोप रहता है। एक IBPS एग्जाम में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का अलग एक पोस्ट ही रहता है, जो कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यही फ्यूचर में जाके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत वैकेंसीज निकलते हैं, वहां पे भी आप जा सकते हो। इसके अलावा मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ, प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। फर्टिलाइजर्स कंपनीज है बहुत सारे प्राइवेट, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, जो कि बहुत अच्छे वैकेंसीज ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग जो भी कंपनीज होते हैं, वो भी बहुत अच्छा वैकेंसीज वहां पे भी मिल सकता है, जिसमें आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, इसके बारे में भी अगर आपको जानना है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन से जॉब में आपको ज्यादा प्लेसमेंट होता है एग्रीकल्चर में, ये सब, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर का मैंने क्या क्या बता दिया, एक तो है एलिजिबिलिटी बता दिया क्या क्या हो सकता है, एक तो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बता दिया, आईकार नॉन आईकार जो कॉलेजेस है इनके बारे में बता दिया, क्या क्या चीज है, किस में जा सकते हो, किस में नहीं जा सकते हो, ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर अभी भी कुछ डाउट है एंड एग्रीकल्चर के बारे में आपको और भी अच्छी तरीके से जानना है, और भी डिटेल में, आप अगर चाहो कि और भी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं एग्रीकल्चर के बारे में, सिर्फ मैं वो भी बनाऊंगा, पर इसके लिए आपको एक काम तो करना पड़ेगा, एक तो है सब्सक्राइब कर दो, मेरा भी भाई मोटिवेशन बढ़ाओ मेरा भी, कि मैं भी आके और भी ज्यादा वीडियो बनाऊं, कि मेरे भी ऑडियंस बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, मैं भी वीडियो बनाऊं, और लाइक जरूर कर देना, जो भी आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबके साथ शेयर जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मेरे को थोड़े टाइम के लिए झेलने के लिए, थैंक यू सो मच बच्चों।